कि अगर पुलिस और प्रशासन ये अन्याय करना लगेगा तो पीड़ित जाएंगे कहाँ? शोर को कम कराओ। तो मैं हूँ अभी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रूपनगढ़। मैं भी जब यहाँ आया, जब मैं एयरपोर्ट उतरा तभी से पुलिस सतर्क थी। दो टोलों पे हमें रोका गया और इस बात के साथ भेजा गया कि हम जाके वहाँ कोई आंदोलन नहीं करेंगे। अभी हमारी बहुत सारी मांगे जो है बाकी, लेकिन सबसे आवश्यक मांग यहाँ के मुख्यमंत्री से, मैं तो ये समझता था वो पिछड़े वर्ग से आते हैं तो कम से कम दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों के दर्द को समझते होंगे, लेकिन एक सिंगल शब्द भी नहीं कह पाए। एक नौजवान ने अपना जीवन खत्म कर लिया, उनकी सरकार में न्याय नहीं हुआ। मुझे जानकारी नहीं कि दोबारा लाइव कितनी देर में या कितनी जल्दी बंद हो जाएगा, मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मुकाबला सरकार से, अपराधी से होता तो कोई बात नहीं, तो उनसे संघर्ष किया जा सकता था जब सरकार और प्रशासन अपना काम कर रही थी ईमानदारी से। लेकिन अभी तो सरकार और प्रशासन मिलके और पुलिस मिलके आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है, और ये खतरनाक, ये इसलिए भी खतरनाक है कि अगर पुलिस और प्रशासन ये अन्याय करना लगेगा तो पीड़ित जाएंगे कहाँ? शोर को कम कराओ। तो मैं हूँ अभी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रूपनगढ़, जिला अजमेर, और मामला है छोटे भाई ओम प्रकाश रैगर की आत्महत्या का। ओम प्रकाश ने आत्महत्या क्यों की, उसके लिए उन्होंने एक बकायदा एक बड़ा सुसाइड नोट 3 पेज का छोड़ा। किन परिस्थितियों में की, ना उम्मीद करके की या खुशी से की, ये भी उन्होंने बताया। जिन लोगों के कारण की, उनका भी नाम खोला। मैं भी पिछले 4 बजे से 8:30 बजे 4.5 घंटे से मैं भी यहाँ हूँ और यहाँ के प्रशासन और सरकार का रवैया देख रहा हूँ। जब रात मैंने वो सुसाइड नोट पढ़ा तो मैंने तय किया कि सारे काम बाद में, पहले परिवार से मिलने चलेंगे और जो अंतिम इच्छा छोटे भाई ने जाहिर की है उसको पूरा करेंगे। मुझे उम्मीद थी कि इतनी बड़ी घटना पे सरकार पे कुछ असर पड़ा होगा तो सरकार ने ठोस कार्रवाई की होगी, लेकिन आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। 25 तारीख को FIR दर्ज हुई और अब तक कोई कार्रवाई नहीं, एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। उसके विपरीत 25 तारीख को इनकी FIR दर्ज होती है 3:30 बजे 3:18 मिनट पे, और दूसरी तरफ जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की, आरोपियों के खिलाफ, उन आरोपियों के पक्ष की तरफ से भी एक FIR 5:30 बजे दर्ज हो जाती है। और यहाँ के SHO जो हैं वो ये कहते हैं कि क्या तो इसमें इस मुकदमे को वापस ले लो वरना कार्रवाई के लिए तैयार हो। एक चोरी की FIR, पीड़ित परिवार, उनके बेटे ओम प्रकाश, उनके पिता, उनके चाचा, 4 लोग खिलाफ करा दी जाती। मैं भी जब यहाँ आया, जब मैं एयरपोर्ट उतरा तभी से पुलिस सतर्क थी। 2 टोलों पे हमें रोका गया और इस बात के साथ भेजा गया कि हम जाके वहाँ कोई आंदोलन नहीं करेंगे। हर बार यहाँ की पुलिस हमें अकलमंद बनाती है, जब भी मैं आता हूँ तभी गिरफ्तार करके जेल भेज देती। तो आज मैंने उनसे कहा ठीक है कुछ नहीं करेंगे, चलते हैं परिवार के पास जाएंगे, अंतिम फैसला तो परिवार का है। तो आज अब मैं परिवार के बीच में हूँ। मैंने जब यहाँ के देखा, उनको सुना, वो अकेले भाई थे, 3 बहनें हैं, 2 बहनें बड़ी हैं, 1 छोटी है। माता पिता दोनों उपाइज हैं, खेती करके अपना परिवार चलाते थे। ओम प्रकाश और उससे जो छोटे वाली बहन है वो दोनों मुंबई में रह के नर्सिंग का कार्य करते थे और इस घर को चलाते थे। अभी उन्होंने कोशिश की है कि उनका मकान बन जाए, दरवाजा अभी नहीं लगा है। सबसे बड़ी बात जो समझनी चाहिए, ओम प्रकाश ने ये कदम उठाया क्यों?
जबकि मैं इस कदम का समर्थन नहीं करता हूँ। कदम इसलिए उठाया क्योंकि हर बेटे के लिए उसका पिता हीरो होता। मैं तो अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए मैंने अपना कैरियर और जो मैं पढ़ने के लिए अमेरिका जा रहा था मैंने उसको चेंज किया। तो ओम प्रकाश एक पढ़ा लिखा समझदार युवा था। 1 अक्टूबर को ही वो यहाँ आया मुंबई से काम करता हुआ, और जब उसने ये देखा कि उसके पिता के साथ मारपीट हुई सरेआम, उनको जलील किया गया, अपमानित किया गया, तो उसने कानून का संविधान को मानने वाला, उसने अपने नोट में भी लिखा कि संविधान को पढ़ के मैंने न्याय की लड़ाई लड़ने का प्रयास किया, उसने सुसाइड नोट में भी बात लिखी थी। वो थाने गया अप्लीकेशन देने, पुलिस ने FIR दर्ज की। आंखें मुख्यमंत्री कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट SC ACT का SC ST कोई मुकदमा उसको दर्ज करना है, लेकिन उस दिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। वो पढ़ा लिखा था और सम्मान की वैल्यू समझता था, इसलिए वो दोबारा नेक्स्ट डे गया और उसने मुकदमा दर्ज करने की मांग की। और उसने कहा अगर आप नहीं दर्ज करोगे तो हम सीनियर अधिकारियों के पास जाएंगे और हम कोर्ट जाएंगे। तब FIR दर्ज हुई, लेकिन जैसा मैंने बताया उसके 2 घंटे बाद उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ और लगातार उस पर दबाव बनाया जा रहा था कि मुकदमा वापस लो वरना तुम्हें जेल भेज दिया जाए। तो जैसे मैंने कहा कि उनके पिता उनके लिए हीरो थे और अपने हीरो को बेइज्जत होते जलील होते उस बेटे ने देखा, और फिर न्याय भी नहीं हो रहा है। 25 तारीख से लेके कल तारीख थी 1 नवंबर, कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने सुसाइड नोट लिखा और उसने सुसाइड कर लिया। वो हम सैकड़ों लोगों को लाखों लोगों को जगा गया कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। जो लोग अन्याय सह रहे हैं उनके लिए मिसाल है। लेकिन मैंने फिर कहा कि मैं इस कदम को सही नहीं मानता, लेकिन उसने जो सुसाइड नोट में मेरे लिए छोड़ा था, मैं कल मध्य प्रदेश में था और मैं खाकी जो हमारी हमारा सम्मान है देश का, उसकी जो कारगुजारी है उस पर मैं कल वहां भी बोल रहा था कि अगर पुलिस सरकार के हिसाब से ही ताकतवर लोगों के हिसाब से ही सामंतों के हिसाब से ही काम करेगी तो गरीब आदमी न्याय के लिए कहां जाएगा। तो मैंने कल भी वहां की पुलिस को कहा कि एक काम कीजिए, खाकी उतार दीजिए, इसका जनता सम्मान उस पर विश्वास करती, खादी पहन लीजिए और नेता बन के आइए तो जनता आपको सबक सिखाएगी। और यहां भी हालात ऐसे ही, अगर SHO ने समय पर कार्रवाई की होती, SHO ताकतवर लोगों के से रुपए लेके शांत ना बैठा होता, इनके खिलाफ उल्टा कार्रवाई ने करा होता, तो शायद आज ओम प्रकाश हमारे बीच होते। इसलिए हम लोगों ने मांग की है कि उस SHO पे और उस CO पे जिसके ऊपर जांच की जिम्मेदारी थी और वो आरोपी घर बैठ के चाय और नाश्ता करता और उल्टा ओम प्रकाश उसके पापा को धमकाता है, यानी कि वो अपने कार्य के प्रति भी लापरवाह, अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। उनके पास अगर मुकदमा लिखने का अधिकार है, धारा लगाने का अधिकार है, तो क्या पीड़ितों को ही मारने काम करोगे? तो जिन्होंने अपनी पावर का मिसयूज किया उस SHO CO के खिलाफ भी हमने लिख के दिया कि उनके खिलाफ FIR दर्ज हो। और वो सरपंच, वो पैसे वाला व्यक्ति जिसने जिसके ने ताकत के दम पे कानूनी कार्रवाई नहीं थी, उसके खिलाफ भी हमने मुकदमा दर्ज करा है। अभी हमारी बहुत सारी मांगे जो है बाकी, लेकिन सबसे आवश्यक मांग यहाँ के मुख्यमंत्री से, मैं तो ये समझता था वो पिछड़े वर्ग से आते हैं तो कम से कम दलितों की आदिवासियों की पिछड़ों के दर्द को समझते होंगे, लेकिन एक सिंगल शब्द भी नहीं कह पाए। एक नौजवान ने अपना जीवन खत्म कर लिया, उनकी सरकार में न्याय नहीं हुआ, उनकी पुलिस उनके प्रशासन ने न्याय नहीं किया, एक सिंगल लाइन का ट्वीट नहीं कर पाए, वो एक बात नहीं कह पाए। वो यहीं थे कल, लेकिन उनको एहसास नहीं कि जिनकी वोटों पे बने हो उनके न्याय की लड़ाई को कौन लड़ेगा, उनको न्याय कैसे मिलेगा। आपके पुलिस और प्रशासन के लोग अगर तानाशाही करेंगे तो न्याय कैसे होगा? तो अभी तक वो SHO सस्पेंड नहीं हुआ, ये बात हमें तब पता लगी जब हमने उस मुकदमे को दर्ज कराने के लिए अप्लीकेशन दी तो मुकदमा लिखेगा कौन, तो पता लगा थाना अध्यक्ष अभी वही हैं। जिस SHO ने उस समय कार्रवाई नहीं करी वो आज क्या न्याय देगा।